हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार, आपका एजुकेटर ऑन अकेडमी ऐप। मैं एक एजुकेटर हूँ ऑन अकेडमी ऐप का, पर साथ ही साथ मैं एक मेंटेनेंस इंजीनियर भी हूँ। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं लेकर हाजिर हूँ रोजाना की तरह करंट अफेयर्स जी के, डेली करंट अफेयर्स जी के हमारे यूट्यूब चैनल यूवी कम्पिटिशन पर। मेरे प्यारे साथियों, आज 28 मई 2019 के करंट अफेयर्स की हम बात करते हैं। साथियों, डेली करंट अफेयर्स के लिए यदि आपने हमारा चैनल यूवी कंपटीशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसके साथ ही साथ मेरे द्वारा राजस्थान जी की और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए अनअकैडमी ऐप पर मुझे फॉलो करें। अनअकैडमी ऐप पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए साथियों, शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल न्यूज राष्ट्रीय समाचारों की। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल बी एडमिनिस्ट्रेट द ऑथ ऑफ द ऑफिस ऑफ हिज सेकेंड टर्म अलोंग विद हिज न्यू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑन 13 मई। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद विल एडमिनिस्टर द ऑथ ऑफ द ऑफिस एंड सेक्रेसी टू द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मेंबर्स ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एट ए सेरेमनी इन राष्ट्रपति भवन। मोदी इज द फर्स्ट बीजेपी लीडर हु हैज बीन इलेक्टेड फॉर द सेकेंड टाइम आफ्टर कंप्लीशन ऑफ हिज 5 ईयर टेन्यूर फ्रॉम बीजेपी। अटल बिहारी वाजपेयी वाज आल्सो इलेक्टेड एज ए प्राइम मिनिस्टर फॉर 2 consecutive टर्म्स, बट हिज फर्स्ट स्टेंट हैड लास्टेड ओनली फॉर 1 year and 7 months। मेरे प्यारे साथियों, ये मुख्य समाचार इस प्रकार है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मई को अपने नए मंत्रिपरिषद के साथ दूसरे कार्यकाल की पद की शपथ लेंगे। उनको यह पद की शपथ राष्ट्रपति भवन में होने वाले कार्यक्रम में राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा दिलाई जाएगी। उनके साथ साथ मंत्रिपरिषद के कुछ सदस्य भी, जो कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं, वह भी पद एवं गोपनीयता की शपथ लेंगे। मोदी पहले एक ऐसे भाजपा नेता है जिन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद दोबारा से उन्हें चुना गया है। इससे पहले बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी का भी कार्यकाल 2 बार रह चुका है, परंतु उनका पहला कार्यकाल मात्र 1 साल और 7 महीने ही चला था। नेक्स्ट, द नेशनल पेज होम मेज टू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑन हिज 55th डेथ एनिवर्सरी ऑन 27 मई 2019। जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जवाहरलाल नेहरू एमर्ज एज एन इमिनेंट लीडर ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंट मूवमेंट अंडर द टूटेलिगे ऑफ महात्मा गांधी। देश 27 मई 2019 को प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी 55वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करता है। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। महात्मा गांधी के साथ जवाहरलाल नेहरू भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रख्यात नेता के रूप में उभरे थे। नेक्स्ट, ओवर 25 स्टेट गवर्नमेंट में हैव टू पे एनवायरमेंट कंपनसेशन ऑफ 1 crore rupees ईच फॉर नॉट सबमिटिंग दियर रेस्पेक्टिव एक्शन प्लान ऑन सिस्टमेटिक डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक वेस्ट टू द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB एज द April 30 डेडलाइन सेट बाय द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT हैज पास्ट बाय। 25 से अधिक राज्य सरकारों को प्लास्टिक कचरे के व्यवस्थित निपटान पर अपनी संबंधित कार्य योजना प्रस्तुत नहीं करने के लिए प्रत्येक को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को 1 crore rupees का पर्यावरण मुआवजा देना पड़ सकता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा निर्धारित 30 अप्रैल की समय सीमा बीत चुकी है। नेक्स्ट, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा प्रेसिडेंट प्रेम सिंह तमांग पॉपुलरली नोन एज PS गोले टुक ऑथ एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम। ही वाज एडमिनिस्टर्ड द ऑथ बाय गवर्नर गंगा प्रसाद एट पलजोर स्टेडियम इन गंगटोक। मिस्टर गोले इज नॉट ए मेंबर ऑफ द स्टेट असेंबली एट प्रेजेंट एज ही डिड नॉट कंटेस्ट द पोल्स। द 51-year-old पार्टी चीफ वैन ही वाज टेकिंग द ऑथ इन द नेपाली लैंग्वेज। लोकप्रिय रूप से PS गोले के नाम से लोकप्रिय सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के अध्यक्ष प्रेम सिंह तमांग ने सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उन्हें गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में राज्यपाल गंगा प्रसाद ने शपथ दिलाई। श्री गोले वर्तमान में राज्य विधानसभा के सदस्य नहीं है क्योंकि उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था। 51 वर्ष से पार्टी प्रमुख ने नेपाली भाषा में वो शपथ ले रहे हैं। नेक्स्ट, इन ए रिपोर्ट सबमिटेड टू द ऑयल मिनिस्ट्री ए हाई लेवल कमेटी HLC ऑफ कंपनीज हैज रिकमेंडेड स्ट्रेटेजी टू रिड्यूस इम्पोर्ट डिपेंडेंसी।
द कमिटी वॉज फॉर्म टू डिस्कस रिसर्च रिलेटेड सिनर्जीज एंड टैक्स इश्यूज फॉर स्टेट रन ऑयल कंपनीज। तेल मंत्रालय को सौंपी गई एक रिपोर्ट में कंपनियों की एक उच्च स्तरीय समिति HLC ने आयात निर्भरता को कम करने के लिए रणनीतियों की सिफारिश की है। समिति का गठन अनुसंधान से संबंधित तालमेल और राज्य द्वारा संचालित तेल कंपनियों के लिए कर मुद्दों पर चर्चा के लिए किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज अंतर्राष्ट्रीय समाचारों की, तो US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप गोट द रेड कार्पेट ट्रीटमेंट एट जापान इंपेरियल प्लेस वेयर ही मेड हिस्ट्री बिकमिंग द फर्स्ट वर्ल्ड लीडर टू मीट विद द न्यू एम्परर ऑफ जापान नरुहितो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जापान के इंपीरियल पैलेस में लाल कालीन व्यवहार प्राप्त हुआ, जहां उन्होंने जापान के नए सम्राट नरुहितो के साथ मुलाकात करने वाले पहले विश्व नेता बनकर इतिहास रचा है। नेक्स्ट सिरिल रामसोफा द हेड ऑफ द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस वाज स्वॉर्न इन फॉर ए 5-year टर्म एज साउथ अफ्रीका प्रेसिडेंट आफ्टर बीइंग इलेक्टेड अनपोज्ड बाय पार्लियामेंट फॉलोइंग द 6th जनरल इलेक्शंस। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के प्रमुख सिरिल रामफोसा ने 6th आम चुनाव के बाद संसद द्वारा निर्विरोध चुने जाने के बाद दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में 5 साल के कार्यकाल के लिए शपथ ली है। नेक्स्ट नासा अनवियल्ड द कैलेंडर फॉर द आर्टेमिस प्रोग्राम दैट विल रिटर्न एस्ट्रोनॉट्स टू द मून फॉर द फर्स्ट टाइम इन हाफ ए सेंचुरी इंक्लूडिंग 8 शेड्यूल्ड लॉन्चेज एंड ए मिनी स्टेशन इन लूनार ऑर्बिट बाय 2024। द ओरिजिनल लूनार मिशन वाज नेम्ड फॉर अपोलो आर्टेमिस वाज हिज ट्विन सिस्टर इन ग्रीक मैथोलॉजी एंड द गॉडेस ऑफ हंटिंग विल्डरनेस एंड द मून। नासा ने आर्टेमिस कार्यक्रम के लिए कैलेंडर का अनावरण किया है। यह आधी शताब्दी में पहली बार है जब अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर वापस ले जाएगा। इसमें 2024 तक 8 अनुसूचित प्रक्षेपण और चंद्र कक्षा में एक मिनी स्टेशन शामिल है। मूल चंद्र मिशन का नाम अपोलो के लिए रखा गया था। ग्रीक पौराणिक कथाओं में आर्टेमिस उनकी जुड़वा बहन थी और शिकार जंगल और चंद्रमा की देवी थी। नेक्स्ट श्रीलंका नेवी हैज लॉन्च एक्स्ट्रा विजिल ऑन इट्स नॉर्थर्न सीज इन वेक ऑफ मीडिया रिपोर्ट्स दैट सम टेररिस्ट एलिमेंट्स मे हैव लेफ्ट द कंट्री टू लैंड ऑन इंडियन शोर्स। श्रीलंकाई नौसेना ने मीडिया रिपोर्ट के मद्देनजर अपने उत्तरी समुद्रों पर अतिरिक्त सतर्कता बरती है। जानकारी ऐसी थी कि कुछ आतंकवादी तत्व देश के भारतीय तटों पर उतर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्पोर्ट्स न्यूज खेल समाचार की। लेविस हैमिल्टन वोन द मोनाको ग्रैंड प्रिक्स टू एक्सटेंड द चैंपियनशिप लीड ओवर मर्सिडीज टीममेट वैटरी बोटास। हैमिल्टन स्ट्रगल विद ग्रिप इन द लेटर स्टेज एंड वाज अंडर कंटेंस प्रेशर फ्रॉम रेड बुल्स मैक्स वर्स्टैपन। लुइस हैमिल्टन ने मोनाको ग्रैंड प्री जीतकर मर्सिडीज टीम के साथ वाल्टेरी बोटास पर अपनी चैंपियनशिप की बढ़त प्राप्त कर ली है। हैमिल्टन ने बाद के चरणों में कठिन संघर्ष किया और रेड बुल के मैक्स वर्स्टैपन के लगातार दबाव में रहे। नेक्स्ट इंडियंस हैड ए गुड डे एट द ईयर्स 3rd इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ISSF वर्ल्ड कप राइफल एंड पिस्टल टूर्नामेंट इन मुनिच जर्मनी। अपूर्वी चंदेला ग्रैब्ड ए गोल्ड विनिंग द वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल कंपटीशन आफ्टर ए क्लोजली फोर्ट कंटेंट सी शॉट ए स्कोर ऑफ 251 इन द फाइनल टू आउटसाइन वैंग लुआको ऑफ चाइना हु शॉट 250.8। जर्मनी के म्यूनिक में वर्ष के 3rd इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF विश्व कप राइफल और पिस्टल टूर्नामेंट में भारतीयों का दिन अच्छा रहा। अपूर्वी चंदेला ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में जीत के साथ स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने फाइनल में 251 का स्कोर बनाकर चीन की वांग लुयाओ को हराया। उन्होंने 250.8 अंक हासिल किए थे। नेक्स्ट चाइना वोन द बैडमिंटन वर्ल्ड मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप सुधीरमन कप 2019 इन नैनिंग चाइना। दे बीट जापान इन मैंस डबल्स वुमेन सिंगल एंड मैन सिंगल्स टू क्लिंच द टाइटल फॉर द 11th टाइम। चीन ने नानिंग में सुधीरमन कप 2019 में बैडमिंटन विश्व मिश्रित टीम चैंपियनशिप जीत ली है। उन्होंने 11वीं बार खिताब जीतने के लिए पुरुष युगल महिला एकल और पुरुष एकल में जापान को हराया है।
नेक्स्ट बात करते हैं मिसलेनियस न्यूज विविध समाचारों की। फेसबुक हैज प्लानिंग टू लॉन्च इट्स ओवन क्रिप्टो करेंसी इन अर्ली 2020, अलाउिंग यूजर्स टू मेक डिजिटल पेमेंट्स इन अ डजन कंट्रीज। द करेंसी डबल ग्लोबल कॉइन वुड इनेबल फेसबुक्स 2.4 बिलियन मंथली यूजर्स टू चेंज डॉलर्स एंड अदर इंटरनेशनल करेंसीज इन टू इट्स डिजिटल कॉइन्स। द कॉइन्स could then be used to buy things on the internet and in shops and other outlets or to transfer money without needing a bank account. Facebook 2020 की शुरुआत में अपनी स्वयं की क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने की योजना बना रहा है, जिसमें उपयोगकर्ता एक दर्जन देशों में डिजिटल भुगतान कर सकते हैं। ग्लोब कॉइन नामक मुद्रा फेसबुक के 2.4 बिलियन मासिक उपयोगकर्ताओं को डॉलर और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं को अपने डिजिटल कॉइन में बदलने में सक्षम करेगी। कॉइन का उपयोग इंटरनेट और दुकानों और अन्य आउटलेट्स पर चीजें खरीदने या बैंक खाते की आवश्यकता के बिना धन हस्तांतरित करने के लिए किया जा सकता था। नेक्स्ट और लास्ट न्यूज की बात करते हैं ऑप्टोरिज निधन की। तो बॉलीवुड्स मोस्ट फेमस स्टंट एंड एक्शन कोरियोग्राफर वीरू देवगन पास्ट अवे इन मुंबई। बॉर्न इन अमृतसर, देवगन वॉज बिहाइंड द फाइट एंड एक्शन स्क्रीन फॉर ओवर 80 हिंदी फिल्म्स इंक्लूडिंग फूल और कांटे 1991, मिस्टर इंडिया 1987 एंड हिम्मतवाला 1983 अमंग वेरियस अदर्स। ही इज द फादर ऑफ अजय देवगन। बॉलीवुड के सबसे प्रसिद्ध स्टंट और एक्शन कोरियोग्राफर और अभिनेता अजय देवगन के पिता वीरू देवगन का मुंबई में निधन हो गया है। अमृतसर में जन्मे देवगन 80 से अधिक हिंदी फिल्मों के लिए लड़ाई और एक्शन दृश्यों के पीछे थे। इनमें फूल और कांटे 1991 ईस्वी में आई थी, मिस्टर इंडिया 1987 ईस्वी में और हिम्मतवाला 1983 ईस्वी में सहित कई अन्य फिल्में शामिल हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज के मुख्य समाचार जो कि आपका करंट अफेयर्स है, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब यूवी कंपटीशन चैनल एंड साथ ही साथ हमारे अकेडमी इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।